हंसी है जिंदगी से प्यार करो, जिंदगी हंसी है जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो दिन का इंतजार करो, हो रात तो दिन का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का आपको इंतजार है, वो पल भी आएगा जिस पल का आपको इंतजार है, बस रब पे भरोसा रखो और वक्त पे एतबार करो। नमस्ते यार, आप सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त विदुष लाठिया, और आज आपके लिए लेके आ गई हूँ हमारा 6th व्लॉग। आज का हमारा ये व्लॉग काफी स्पेशल है क्योंकि आज जिस जगह पे मैं आई हूँ इस जगह की काफी मान्यता है, तो चलिए देखते हैं आज इस जगह पे हम आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस जगह की काफी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि आप इस स्थान पे जो भी कुछ विश करते हैं वो अवश्य जो है वो पूरा होता है। सो आज हम जिस जगह पे आए हैं उस जगह का नाम है माँ देवी पिंडी, जो कि जम्मू के गुड़ा सलाथिया गाँव में स्थित है। गुड़ा सलाथिया में बहुत सारी मंडी हैं और ये वाला जो स्थान है ये गढ़ मंडी से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे एक जंगल में जाकर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पे ही राजा जोगदेव सलाथिया जी ने अपना किला बनाया था। तो चलिए देखते हैं। स्मैलपुर के रहने वाले नार सिंह, जो कि बाद में बाजी नार सिंह के नाम से जाने गए, वे माता के परम भक्त थे। उनके द्वारा एक कथा के अनुसार उन्होंने सुनाया कि महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पे जब मुगल राज किया करते थे तो काफी राजा जो है इस जगह पे सैर करने आया करते थे। इसी के साथ साथ लाहौर के सरदार बादशाह भी इसी जगह पे जो है सैर करने आया करते थे। संत नार सिंह जी ये भी बताया करते थे कि जो लाहौर के बादशाह थे उनके पास जो है एक बहुत खूबसूरत घोड़ी थी जो कि दिन में 3 बार, फिर बाद में वो घोड़ी जो है संभ्याल राजपूत ले गए थे और फिर सांबा में जाके उस घोड़ी की मृत्यु हो गई। बाद में महाराजा रणवीर सिंह ने बहुत पता करने के बाद भी वो माता के इस पवित्र स्थान का जो है पता नहीं लगा पाए, तो फिर बाद में उन्होंने उत्तरवैनी में जो है राम मंदिर बनवाया। ऐसा भी कहा जाता है कि महाराजा रणवीर सिंह जी उत्तरवैनी माँ देवी पिंडी परमंडल से लेके रणवीर शेखर और रघुनाथ जी मंदिर से तक एक मंदिर श्रृंखला भी बनवाना चाहते थे। महाराजा रणवीर सिंह जी माँ देवी पिंडी की खोज में थे जो कि उनके भक्ति की शक्ति के कारण उन्हें महसूस होती थी, लेकिन बहुत खोज करने के बाद भी महाराजा रणवीर सिंह जी जो है इस स्थान का पता नहीं लगा। विधि के अनुसार पूजा ना होने के कारण माँ देवी माँ अपने बच्चों के सपने में आती थी और उन्हें अपना सही स्थान जो कि देवी पिंडी है वह बनाने के लिए बोलती थी। सेना के कप्तान चंबल सिंह जी जो कि माता के परम भक्त थे, जब वह भारत पाक युद्ध जो कि 1971 में हुआ जब वहाँ जाने लगे तो उन्होंने माता जी से प्रार्थना की कि हे माता रानी, अगर मैं इस युद्ध में जीत कर आऊंगा तो वह माता की संगमरमर की मूर्ति जो है उसकी स्थापना करवाएंगे। तो जब वो युद्ध से जीत कर आए तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो संगमरमर की मूर्ति की स्थापना की थी, जो कि स्थापना उन्होंने गढ़ मंडी में की थी, जिसको हम पक्के वाली माता भी बोलते हैं, और वहाँ पे पक्के वाली तालाब के पास ही वो मंदिर है। ये वो मंदिर है जो कि गढ़ मंडी में है, लेकिन जो सही स्थान है वो देवी पिंडी ही है। कई भक्तों के सपनों में माता ने चिताया, पर बाजी नार सिंह जी जहाँ पे माता आई उनको अपने सही स्थान के बारे में बताया था, मैं एक बार वहाँ पे अपनी प्रार्थना में अपनी पूजा अर्चना में लीन थे, तो फिर उसके बाद तो देवी माँ ने बाजी नार सिंह जी को अपने सही स्थान पे मंदिर बनवाने के लिए कहा, परंतु बाजी नार सिंह जी ने माँ को चमत्कार दिखाने के लिए कहा। फिर माता रानी ने बाजी नार सिंह जी को जो है कंजक रूप में दर्शन दिए और फिर उसके बाद वह कंदिव्य कन्या जो है रजान वृक्ष की ओर चली गई, और फिर ये फैसला हुआ कि हर मंगलवार को गुड़ा सलाथिया के लोग जो है वो प्रसाद बनाया करेंगे और रविवार को जो है वो बगुना वाले लोग जो है वो प्रसाद बनाया करेंगे। ये आप देख सकते हैं माँ देवी पिंडी की पिंडी है, जहाँ पे सारे परम भक्त जो है माँ से दर्शन करने आते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा है यहाँ का और काफी शांति मिल रही है मन को यहाँ पे आके। तो ये हमारी माँ देवी पिंडी जी का ये वो पवित्र मंदिर है जो कि अभी बन रहा है, पहले काफी छोटा था, पहले पक्का नहीं था ये, लेकिन अब जो है ये मंदिर जो है बन रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है जो कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से रुका हुआ है, और अभी जो है सारे परम जो भी भक्त माता के मंदिर में आते हैं तो वो यहाँ पे नहीं, वहाँ पे हमने माँ की पिंडियाँ जो है वहाँ पे स्थापित कर दी है। एक मंदिर मैंने आपको ऊपर बताया, एक मंदिर जो कि नीचे है, तो आप ये देख सकते हैं ये काफी खूबसूरत मंदिर है, काफी अच्छी जगह है, यहाँ पे आके काफी आपको मन को शांति मिलेगी। आप देख सकते हैं
ये सारा नज़ारा जो है काफी प्यारा है। और यहाँ से जो मैंने आपको दूसरे व्लॉग में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको देविका नदी के बारे में बताया था, तो देविका नदी जो है यहाँ से 2 कोस की दूरी पे है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पहले जो है कुछ लोग यहाँ इस जंगल में, जब ये मंदिर का नहीं बना था, तो अपने माल मवेशी जो है वो यहाँ पे चराने आते थे। तो एक कथा के अनुसार, ऐसा भी उस बुक में मैंने पढ़ा, कि जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे, उनकी इसी स्थान पे किसी ने उनकी माथे की लकीरें पढ़ के ये बताया था कि वो जो है वो राज होंगे, वो राजा बनेंगे। तो ऐसा भी कहा जाता है। उसके बाद कई राजाओं ने इस जगह पे जो है फतेह पाने की कोशिश की, लेकिन गुड़ा सलाथिया के सलाथिया राजपूतों ने जो है किसी भी राजा को यहाँ पे जीत हासिल नहीं करने दी। माँ देवी पिंडी के स्थान की काफी मान्यता है। यहाँ से 4 गांव जो है वो जुड़े हुए हैं। एक परमंडल से लोग यहाँ से आते हैं, उत्तर वैनी से लोग यहाँ से आते हैं, और कुछ राय सुजानी से और गुड़ा सलाथिया से लोग जो है यहाँ पे आते हैं। तो काफी मान्यता है इस दरबार की। काफी दूर दूर से लोग और भी दूर दूर जगहों से जो है लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ से जो है इस स्थान से परमंडल के सारे आप मंदिरों के जो है दर्शन कर सकते हैं। और माँ त्रिकुटा वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियां भी यहाँ से आपको नजर आएगी। कैमरा में अभी नहीं दिखेंगी, लेकिन रात को जो है वो सारी पहाड़ियां बहुत अच्छे से दिखती है, तो आप यहाँ से वो भी दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इस स्थान की जो है इतनी मान्यता है। हर मंगलवार और रविवार जो है यहाँ पे प्रसाद तो बनता ही है, और लोग भी यहाँ पे आए रहते हैं। अभी थोड़ा कोरोना चल रहा है, उस वजह से जो है लोग यहाँ पे कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसे जो है लोगों की कतारें जो है लगी रहती है। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस दरबार में जरूर आइएगा। हर साल बैसाखी पे यहाँ पे मेला लगता है, तो आप उस मेले को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी खूबसूरत जगह, काफी शांति मिलती है यहाँ पे। तो ये था हमारा 6th व्लॉग, और आई होप आप सबको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। काफी लंबा सफर जो है हम तय करके आए हैं, 3 किलोमीटर चल के आए हम, जो काफी अच्छा रहा और काफी अच्छा लगा हमें माता रानी के दरबार में आके। आप सब भी यहाँ पे जरूर आइएगा, और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और जगह पे, जिस जगह के बारे में आप जानते हैं, उसमें व्लॉग करें, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू। ऐसा कहा जाता है कि बाजी नार सिंह, सॉरी सॉरी सॉरी, उन्होंने यार यार